स्टार इंटरव्यूज हमेशा इंटरेस्टिंग होते हैं आखिर स्टार्स के बारे में कौन नहीं जानना चाहता है और अगर इंटरव्यूअर खुद वर्ड्स की दुनिया से हो तो इंटरव्यूज और भी मजेदार बन जाते हैं और आज हमारे स्टूडियो में ऐसे ही वर्ड हैं निरंजन अयंगर हु इज अ डायलॉग राइटर स्क्रीन प्ले राइटर एंड लिरिसिस्ट और अब वो टीवी शो होस्ट बनने जा रहे हैं फ्रेंड्स लेट्स वेलकम निरंजन आयंगर निरंजन वेलकम टू ई टी सी बॉलीवुड कोमल थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो शब्दों की दुनिया से हैं आप सॉन्ग्स लिखते हैं जी स्क्रिप्ट लिखते हैं सडनली ये इंटरव्यूज का सिलसिला कैसे शुरू हुआ एक्चुअली uh, पता नहीं आ, आ, आप आप शायद जानते हैं हम बहुत साल पहले भी मिले हैं कितनी बार मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूँ exactly. और जी मैगजीन हुआ करती थी उस जमाने में तो मैं उसमें काम करता था हुँ. तो एज ए जर्नलिस्ट मैंने अपना करियर शुरू किया था हुँ. और काफ़ी साल जर्नलिस्ट होने के बाद मैंने फिर डिज़ाइनिंग की उसके बाद एक किताब लिखी और फिर डायलॉग्स की दुनिया में आया और उस स्क्रीन राइटर बन गया तो बहुत साल से जर्नलिज्म से एक नाता छूट सा गया था Correct. लेकिन जब ये प्रोड्यूसर्स मेरे पास आए गुलरेज पंजाबी और पीनट बटर प्रोडक्शन जिनका ये शो है, sure है। टॉकिंग विद निरंजन हुँ, हुँ, हुँ. वो जब मेरे पास आए तो सबसे पहले तो मैं डर गया क्योंकि मैंने कभी कैमरा इतनी देर तक फेस नहीं किया था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी में इतनी दिलचस्पी होगी कि वो मुझे कैमरा के सामने बिठाए तो उन्होंने बहुत जोर दिया और उन्होंने कहा नहीं आप ये कर पाएंगे तो मैंने भी सोचा मुझे नई नई चीज़ें करने का बहुत शौक़ है मैं हमेशा हर चीज़ जो नई मेरे पास आती है उसको एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करता हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना किया जाए और फिर उस बेसिस पर मैंने हाँ बोला उनको और शुरुआत हुई इस जर्नी की और अब ऐसे लग रहा है जैसे बहुत कंफर्टेबल हूँ पहले Uh, दो तीन एपिसोड में बहुत डिस्कम्फर्ट uh, फेस हुआ था और <laughs> और uh, that's because, that's because time, क्या है हम जब जर्नलिस्ट थे तब कागज और कलम लेके बैठ जाते थे और जिस तरह चाहे बैठ गए जहां चाहे घूम लिया yes. और यहाँ पे हिल नहीं सकते अपनी जगह से आप अपना फेसिंग नहीं छोड़ सकते तो ये चीजें शुरुआत में मुझे बहुत तकलीफ दे लगी क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि यार मैं सवाल कर रहा हूँ और मैं इनकी जिंदगी जानना चाहता हूं और बीच में आके मेरा शर्ट एडजस्ट कर रहा है कोई कोई बोल रहा है नहीं आप बहुत मुड़ गए उस तरफ आप दोबारा इस सवाल को कीजिए और फिर दोबारा वही सवाल उसी इंटेंसिटी के साथ पूछना मुश्किल होता है थोड़ा एक्टर भी बनना पड़ता है हाँ थोड़ा क्यों बहुत ज्यादा एक्टर, एक्टर बनना पड़ता है तो वो थोड़ा सा मुझे शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगा लेकिन एक दो एपिसोड के बाद मुझे वो एक एक बॉडी को भी आदत हो गई उसकी फिर इस तरह से बैठना फिर ज़्यादा हिलना नहीं वो सब तो उससे एक ठहराव आ गया आप कह सकते हैं पर्सनालिटी में <laughs> ठहराव आ गया बट आई एम श्योर एज यू गो अलोंग आप रियलाइज़ करेंगे कि ये मीडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मीडियम है एम श्योर यू स्टार्ट एंजॉय होप सो क्योंकि आपने तो मतलब कितना किया है आपके हजार एपिसोड के ऊपर हो गए यहाँ पे yes. और सबसे पह, सबसे पहले जब मेरे पास टॉक शो होस्ट का ये ऑफर आया था तो मैंने पूछा भाई क्यों क्यों मैं एक चैट शो करू जब कोमल करण और इन जैसे लोग उसको बखूबी इतने सालों से निभा रहे हैं एक और चैट शो देखने को किसको दिलचस्पी हो सकती है yes. ये मेरा सबसे पहला सवाल था लेकिन उन्होंने मुझे कन्विंस किया ये कह के कि चैट शो जो होता है वो जो होस्ट होता है उसकी पर्सनैलिटी से बहुत जुड़ा होता है तो उनकी पर्सनैलिटी अलग है तो उनके शो अलग है आपकी पर्सनालिटी अलग है तो आपका शो अलग होगा okay. तो वो मुझे थोड़ा कन्विंसिंग uh, लगा मुझे लगा हाँ एक ये बात जरूर है कि मेरी, मेरी सही थी हाँ मेरी एक पर्सनालिटी है तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर ये शो हम लोग फॉर्मुलेट इस तरह से करें कि वो मेरी पर्सनालिटी uh, से ज्यादा uh, जुड़ा हुआ हो तो मैं जरूर करूंगा और वैसा ही हुआ तो ये किस किस्म का शो एक्सपेक्ट कर सकती है जनता अलग कहना तो बहुत ही प्रिजवश होगा और क्लीशे होगा क्योंकि हो हर फिल्म हर टीवी शो हर चैट शो हर बात जो इंसान कहता है वो अलग ही होता है तो तो मैं ये अलग नहीं कहना चाहूँगा लेकिन मैंने कॉन्शियसली कोशिश की है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं नॉर्मल जो चैट शोज होते हैं जहाँ पे लोग बहुत अच्छी तरह से करें उन उनसे थोड़ा दूर हो एक सबसे पहली बात यह है कि आमतौर पर चैट शोज में एक सेट होता है

Uh, मेरे जहन में यह कि दो दोस्त या दो दो प्रोफेशनल कलीग्स जो एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं जिन्होंने साथ काम किया है जिन्होंने बहुत इंटरेक्ट किया वो अगर बैठ के गप्पे लड़ाएं तो, तो कैसा उसका कैसा एक फ्लेवर होगा तो हालांकि वो टीवी कैमरा पे ऐसे करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ जाती है उसमें तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ऐसे ही है कि जैसे हम ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करते हैं लेकिन मैंने कोशिश की है कि वो फ्लेवर लाने की कि एक कैजलनेस हो एक इनफॉर्मेलिटी हो अगर हम जोर से एक दूसरे को ताली दे के हंसना चाहें तो वो कर लें तो कोई बंधन नहीं है उसमें दूसरी चीज़ है कि हमारी मीडिया में आज इतने प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ये रोजमर्रा लिखा जाता है कि स्टार ने क्या पहना कहाँ गए कौन सी पार्टी में अटेंड की किसके साथ बात की किसके साथ उनकी रिलेशनशिप चल रही है या किसके साथ उनका ब्रेकअप हो गया बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ये पूछते हैं कि उनके दिल में क्या हो रहा है उनकी दिमाग में क्या हो वो क्या सोच रहे हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं उनके करियर में जब फेलियर आता है तो उनके दिल पे क्या गुजरती है या उनकी ज़िंदगी में जब सक्सेस आता है तो वो अपनी खुशी किस तरह से मनाते हैं किसके साथ शेयर करते हैं ये सब चीज़ें बहुत कम लोग पूछते हैं और बहुत कम लोग इसको एक्सप्लोर भी करते हैं इन मीडियम्स में तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे सवाल किए जाए क्यों ना उनकी जिंदगी के बारे में सवाल किए जाए और कभी कभी क्या होता है कि जब कोई स्टार या कोई फिल्म सेलिब्रिटी बहुत सालों से फिल्मों में होता है तो उनकी जो पिछली जिंदगी होती है उसके बारे में ज्यादातर लोगों का यह मानना होता है कि सबको पता है लेकिन अभी बिल्कुल पता ही नहीं, नहीं होता, होता। तो इसलिए वो मैंने एक्सप्लोर किया कि उनका बचपन कैसे रहा या उनकी अपब्रिंगिंग कैसे रही क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि फिल्म स्टार्स में दो तरह के स्टार्स होते हैं एक वो होते हैं जो उम्र की दो साल से जानते हैं कि वो एक्टर होने वाले हैं और एक वो होते हैं जिनकी जिंदगी में एक्टिंग अचानक आ जाती है सही। तो मैंने ये एक्सप्लोर किया है मुझे उस वक्त जो उनके बारे में पूछना मुनासिब लगा मैंने वो पूछा एक एक रोड मैप है क्योंकि एक आधे घंटे के शो में पूरी जिंदगी को बयां करना बहुत मुश्किल है तो इसलिए मैंने एक एक रोड मैप रखा है कि अगर ये हैं मेरे गेस्ट तो मैं

के बाद फिल्म इंडस्ट्री में आए बतौर राइटर बतौर लिरिसिस्ट तो आपके कॉन्टैक्ट्स एज अ जर्नलिस्ट ज्यादा काम आएंगे इस शो में या योर कॉन्टैक्ट्स एज अ फिल्म पर्सन कोमल जब मैं जर्नलिस्ट था तब बहुत सारे लोगों से मेरी दोस्ती थी और मैं एक ऐसे मैगजीन में भी काम करता था जी मैगजीन जो कि उस जमाने में काफी नॉन कंट्रोवर्शियल और नॉन स्कैंडलस थी तो मेरे रिश्ते बने लेकिन उसके बाद मैं सीधा राइटर नहीं बना जर्नलिज्म के बाद मैंने आ, कुछ तीन चार साल तक डिजाइनिंग की मनीष मल्होत्रा के साथ उसके बाद करण और मेरी दोस्ती उस जमाने से चली आ, आ रही है तो उस वक्त करण बना रहे थे कभी कभी खुशी गम तो हम बैठ के बातें करते थे फिल्म के बारे में तो मैंने जब उस, उसकी कास्टिंग हुई तब करण करण से कहा कि ये कास्टिंग तो एकदम लेजेंडरी कास्टिंग है मुझे नहीं लगता कि बहुत सालों तक ऐसी कास्टिंग होने वाली है तो क्यों इसकी इसके बारे में किताब लिखी जाए तो उसने कहा ठीक और फिर एक हफ्ते बाद मुझे बोला तो तू तो किताब भी तुम ही लिख लो तो वो किताब लिखी मैंने तो उस दौरान मैं सेट पे रहा सबके साथ और मैंने वो फिल्म मेकिंग का पूरा जो प्रोसेस है वो देखा उस दौरान क्योंकि मैं सेट पे कुछ नहीं कर रहा था तो मैंने डायलॉग में थोड़ा बहुत मतलब अपना लैंग्वेज ग्रामर ठीक करना शुरू किया फिर करण के साथ डिस्कशन में एक आध लाइन मैंने सुझाई होगी किताब में क्या लिखूंगा तब उसने मैंने सोचा कि करण पागल नहीं हो गए तुम तो मैं डायलॉग कैसे लिखूंगा उनको पता चले और ये करण की खासियत है मेरी दोस्ती में उनके सबसे बड़ा योगदान मेरे करियर में उनका रहा है उन्होंने मुझे डायलॉग का मौका

Hmm. जो कलोन हो की स्क्रिप्ट लिख रहे थे hmm. तो इन दोनों के साथ काम करने में मुझे बहुत लगा कि नहीं यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मीडियम है मुझे ये एक्सप्लोर करना चाहिए तो इस तरह से मेरा करियर शुरू हुआ एज ए राइटर फिर वो मैं राइटिंग डायलॉग्स लिखता रहा फिर डायलॉग्स के बाद मैंने स्क्रीन प्ले पर भी काम किया फैशन में और कपल ऑफ अदर फिल्म में hmm. उसके बाद माय नेम इज खान बन रही थी तो मैं हमेशा म्यूज़िक uh, सिटिंग्स में जाता था करण के साथ उसकी म्यूज़िक के मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है मैं बारह तेरह साल से क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहा हूँ तो मुझे बहुत शौक है तो मैं गया था म्यूजिक सिटिंग में तो शंकर मुझे हमेशा कहते थे कि आप अल्फाज इतने अच्छे इस्तेमाल करते हो बात को तो आप लिरिक्स लिखो तो मैं कहता था कहाँ यार लिरिक्स लिरिक्स लिखना किसी के बस की बात है ये आसान नहीं ये काम बहुत मुश्किल काम है तो हम बैठे थे और सजदा गाने की ट्यून बन रही थी तो

The of your career, shaping of your career. क्या इस वजह से आपका पहला गेस्ट करन था वो पहले गेस्ट चैनल की वजह से है मैंने एक्चुअली उनका एपिसोड बहुत बाद में शूट किया uh -huh. क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था उसके साथ एपिसोड शूट करने में क्योंकि करण खुद एक मंझा हुआ चैट शो होस्ट है exactly, exactly. और दूसरे दूसरी बात यह है कि वो मेरा बहुत ही गहरा दोस्त है uh -huh. तो अब जब दोस्त को इंटरव्यू करने की बारी आती है तो बहुत मुश्किल होती है क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा और हद से ज्यादा जानते हो उसके बारे में तो फिर क्या पूछें कहा जाके बाउंड्री लाइन लगाएं कि इसके बाद नहीं पूछेंगे तो इसलिए मैं बहुत डरा हुआ था तो मैंने सोचा कि नहीं करण के साथ एपिसोड में तभी करूंगा जब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप में हाँ। इसलिए उनका उनका शायद मैंने एपिसोड एपिसोड लेकिन एयर आज, हाँ, आज आज करण जौहर का सबसे पहले उनका so, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मेरे मतलब गहरे दोस्त के साथ मेरा जो इंटरव्यू है वो एयर हो रहा है एज द फर्स्ट और उसने मुझे बहुत संभाला भी एपिसोड में बहुत नर्वस था तो उसने सबसे पहले बैठने के बाद मुझसे यही कहा कि निरंजन यू नो जस्ट डिस्कनेक्ट

ये तो काजोल के साथ एंड परिणीति चोपड़ा के साथ सबके साथ यही हाँ यही था लेकिन आ, क्या है कि कुछ गेस्ट जो हैं वो मेरे बहुत गहरे दोस्त हैं जैसे कि करण है जैसे कि काजोल है इनके साथ मेरी बहुत सालों से दोस्ती है तो उनके साथ जो डर था वो अलग था जैसे परिणीति चोपड़ा हो या विद्या बालन हो इनको मैं बहुत सोशली जानता था इनके साथ मेरी गहरी दोस्ती नहीं थी और ना ही मैंने इनके साथ काम किया है तो ये जब एक्चुअली बहुत सरप्राइजिंग लगा क्योंकि मैं जब विद्या से मैंने बोला नहीं मुझे एक बार तो विद्या से मिलना पड़ेगा शो से पहले ताकि मैं एक कंफर्ट लेवल अपना बना लू उनके साथ तो मैं जब मिलने गया तो बहुत वार्म और अफेक्शनेट थी और उन्होंने भी बिफोर आई कुड से एनीथिंग उन्होंने ये कहा कि निरंजन नो होल्ड्स बार्ड आपको जो सवाल करना है कीजिए मुझसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है आंसर करने में तो ये जो है ना कोमल ये शो के दौरान मुझे पता चला कि लोगों के दिल और आ, दिल में मेरे लिए कितना प्यार है कितनी, कितनी इज्जत है।, है और कितनी जगह है मैं उसको टेक, टेकिंग फॉर ग्रांटेड नहीं करना चाहता था और उस शो से पहले सच बोल रहा हूँ मैं मुझे नहीं लगा था कि वो इतना आसान होगा मुझे हमेशा यही डर था कि एक क्या होता है जब आप इंटरव्यू करते हो किसी को तो एक ऑटोमेटिकली एक लाइन ड्रॉ हो जाती है आप में और इंटरव्यूअर के बीच में फिर एक वो हो जाता है कि मीडिया वर्सेस स्टार या एक क्वेश्चन uh, एक एक जजमेंट पे कोई बैठा है तो लेकिन ना तो मैंने कभी ये सोचा कि मैं उनसे इस तरह के सवाल करूं जहां पे मैं उनको पकड़ लूं या कोई ऐसी अनकंफर्टेबल चीज में उनको जकड़ लूं और बोलूं कि देखा तुमने ये नहीं बोला था आज तक मैंने बुलवाया ये मेरा एटीट्यूड नहीं था और ना ही उन लोगों का एटीट्यूड ये था कि मैं एक मीडिया पर्सन के सामने बैठा हूँ तो मुझे केयरफुल रहना है या मुझे सोच समझ के जवाब देना है तो कहीं उनके दिल में ये एक सिक्योरिटी थी कि मैं एक एक हद से ज़्यादा उनको परेशान नहीं, नहीं करूंगा प्रिंट मीडियम में भी आप जब प्रिंट मीडिया में थे तभी भी आपने स्टार्स को इंटरव्यू किया था सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू किया था अब टेलीविजन के माध्यम के लिए कर रहे हैं कितना अंतर है और अब आपको क्या लगता है क्योंकि योर बैंक सेवरल एपिसोड्स अब आपको क्या लगता है वो मीडियम आपको बेहतर लगता था या ये मीडियम बेहतर लगता है एक्चुअली कोमल फिलहाल इस मीडियम में मैं पूरी तरह से अभी तक घुल मिल नहीं गया वो मीडियम मैंने ऑलमोस्ट सात साल एक्सप्लोर किया था लेकिन ले कुछ हाँ कुछ चीजें हैं जो मुझे लगती हैं ये शायद लोगों को ऐसे लगे कि क्या ये सिर्फ पुरानी जमाने की बातें बार बार दोहरा रहे हैं <laughs> लेकिन कुछ चीजें हैं जो उस जमाने की या उस किस उस मीडियम की जो मुझे ऐसे लगता है कि ज्यादा मेरे लिए करीब हैं वो एक ये है कि आप जब किसी को इंटरव्यू करते हो एक कमरे में जब आप सिर्फ दो लोग होते हो तो एक बैरियर्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं इस मीडियम में मैंने देखा है कि दो लोग बात करते हुए भी अठारह बीस और लोग होते हैं आपके आस पास कॉन्शियसनेस अपने आप आ ही जाता है हुँ, के, के हुँ। सब देख रहे हैं तो आप पैर ऊपर उठा के नहीं बैठ सकते हालांकि जब हम लोग जर्नलिज्म करते थे कागज पेन लेके बैठते थे तो कभी कभी कहीं भी बैठ गए बेडरूम में किसी ने सो के भी इंटरव्यू दे दिया था कि पे लेट के भी कभी बैल्कनी में बैठ के कभी कॉफ़ी पीते वक्त कभी इंटरव्यू के सवाल अलग रख दिए और एक घंटा किसी और चीज़ के बारे में बात की और फिर दोबारा इंटरव्यू पे आए ये सब जो उस मीडियम के एडवांटेजेस थे वो शायद इस मीडियम में नहीं और दूसरी चीज़ ये थी कि उस जमाने में वक्त भी दिया जाता था हम लोगों को एज एज इंटरव्यूअर्स के हम सेट पे बैठे रहे जब भी स्टार को शॉर्ट्स के बीच में वक्त मिला आके बैठ गए और बातें हुई वो सब जो एडवांटेजेस हैं वो यहां नहीं है लेकिन आई एम श्योर आपने भी मुझसे कहा है कि इस मीडियम के इतने सारे एडवांटेजेस हैं जो आप बहुत एंजॉय करोगे आगे चल sure. तो, <laughs> के तो आई एम होपिंग कि मुझे इस इस मीडियम को भी उतना एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा और मैं उसको भी एंजॉय करूंगा जैसे मैंने प्रिंट जर्नलिज्म किया है आप इतने करीब है स्टार्स के आप खुद ही क्वेश्चन में कैसे डिसाइड करते हैं कि मेरी सीमा यहां पर है मेरी लाइन मैंने यहां ड्रॉ कर ली है मेंटली इससे आगे मैं नहीं पूछूंगा बिकॉज़ यू मस्ट बी नोइंग सो मेनी सीक्रेट्स ऑफ स्टार्स यू नो किस हद तक आप प्रोब करेंगे और क्योंकि मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं तो मुझे पता है कि उनको किस चीज से दर्द या दुख होगा तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं उस वहाँ तक जाऊँ जहाँ तक उनको कंफर्टेबल लगे और कुछ चीज़ें वो बताएं लोगों को जो शायद लोगों को पहले से पता ना हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी शो में जो हर बात स्टार ने की है वो सबसे पहली बार हुई है या किसी को पता नहीं है काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को पता भी होंगी क्योंकि उन्होंने प्रिंट में पढ़ा भी होगा उनके कोर्ट या लेकिन मैंने ये सोचा कि उन्होंने अगर प्रिंट में पढ़ा भी होगा तो स्टार्स को अपनी जबान से बोलते नहीं देखा होगा उनकी बचपन की यादें या उनके जब जब उनके साथ कोई हादसा हुआ हो जो सक्सेस और फेलियर ये मेरे हिसाब से फिल्म स्टार्स के लिए सबसे बड़े हादसे होते हैं उनकी जिंदगी के <laughs> फेलियर फेलियर कितना और, और सक्सेस भी क्योंकि सक्सेस में भी वो, वो थोड़े से बदल जाते हैं और उनके आसपास के लोग उनके बदलाव के बारे में उनको बताते हैं तो उनको थोड़ा कभी कभी बुरा भी लगता है जब बोलते हो कि यार तुम बहुत अकड़ू हो गए हो तुम तो तुम्हारी हिट क्या हो गई तुम तो आसमान तो ये सब चीजें होती है तो ये जो दो दो उतार और चढ़ाव के जो बदलाव होते हैं वो बदलाव उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं तो जब भी मैंने वो एक्सप्लोर किया तो मैंने ये जाना है कि उनके जवाबों में मुझे पता चल जाता है कि उनको बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है या या इस हद से ज्यादा वो नहीं जाना चाहते तो फिर मैं उस डायरेक्शन को चेंज कर लेता हूँ लेकिन हैविंग सेड दैट ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने नहीं मेरे दिमाग में रखा क्योंकि करण के साथ आज चैट आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद exactly. वो इतने ऑनेस्ट हैं मेरे चैट में mm -hmm. उन्होंने कितनी सारी बातें की हैं mm -hmm. जो कि uh, मेरे ख्याल से उन्होंने इससे पहले नहीं, नहीं की हैं Uh, और उन्होंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं उनका दोस्त हूं और uh, उनके बहुत करीब हूं तो उन्होंने सोचा था कि अगर निरंजन के शो में जाना है तो ऑनेस्टली बात कर yes, exactly. तो वो सोच के आए थे तो ये ये मेरे लिए आई थिंक हैज डन इट इन देयर ओन वे हर स्टार ने ये अपने हिसाब से अपने जहन में सोच के किया हुआ है एंड आई एम होपिंग कि लोगों को भी ऐसा लगे कि एपिसोड देखने के बाद कि कोई अर्थ शैटरिंग सीक्रेट उनको शायद ना पता चली हो लेकिन एज ए इंसान अगर वो उन स्टार्स को टू या थ्री परसेंट भी ज्यादा जान गए हो पहले से तो मेरे लिए इट्स सक्सेसफुल शो योर पर्पस अचीव्ड यस निरंजन आपके शो के लिए प्रमोशन के लिए बहुत सारे स्टार्स

तो वो बहुत स्पोर्टिंगली उसने वो किया हमने एक गाना सिलेक्ट किया था जो कि म्यूजिक वीडियो के साथ है और उस गाने पे हमने सबके डांस शॉट्स लिए तो जैसे ही गेस्ट आते थे तो मैं सबसे पहले उनको बोलता था कि मेकअप और हेयर बहुत अच्छा लग रहा है आपका आप पहले डांस कीजिए और कुछ लोगों ने कहा कि ये क्या था हमको पता ही नहीं था मैंने बोला नहीं ये छोटा सा एक डांस सॉर्ट ऑफ है कि जो 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स के लिए हम लोग यूज़ करेंगे तो इसमें कोई बहुत भारी स्टेप्स नहीं है भावेश गांधी जो है वो कोरियोग्राफर थे उसके तो उन्होंने वो स्टेप्स थोड़े से कोरियोग्राफ किए और फिर स्टार्स के स्पिरिट को देख के उन्होंने कुछ स्टेप्स को एडजस्ट भी किया उसी समय। और उसी समय और वो वीडियो एक के बाद एक के बाद एक बनता गया और फिर जब मेरे कुछ एपिसोड्स बैंक हो गए तो हमने उसका एक म्यूजिक वीडियो बना के उसको यूट्यूब पे डाला जिसके ऑलमोस्ट डेढ़ लाख व्यूज भी हो गए जो कि बहुत पॉपुलर है बहुत ही पॉपुलर हुआ है तो हमारे दर्शकों को भी दिखा देते हैं Look who's talking. Look who's talking. Who's talking?

उ रॉन्ग यू आर यू विल रियलाइज इफ यू फ्लिप दैनल जी हाँ हम आज आपको कहेंगे फ्लिप दैनल जस्ट नाउ क्योंकि उनके पहले गेस्ट है करण जौहर दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव कोई सजेशन हो तो प्लीज डू राइट एन टू अजर बॉलीवुड बिजनेस एट जी नेटवर्क डॉट कॉम एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा तो उठाइए अपना मोबाइल फोन टाइप कीजिए बीबिस स्पेस छोड़िए टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव पर यू कैन अस ऑन ट्विटर एट ई टी सी बॉलीवुड दिस इज कोमल नाहटा बिनिंग यू गुड